नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ सिद्धार्थ मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे तानपुरा और स्वयंभू स्वर जो निकलते हैं। स्वयंभू स्वर और तानपुरा, देखिए तानपुरा जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका दूसरा नाम है तंबूरा। पहला नाम, पुराना नाम, और ये इसलिए पड़ा था ना, ये तुम्बरू, ये एक ऋषि थे तुम्बरू नामक, जिनके नाम पर तानपुरा का नाम पड़ा। ये तंबूरा, तंबूरा से ये तानपुरा हो गया। ये सारा तानपुरा कर देता है, नाम से ही आपको लग रहा होगा। तानपुरे का मतलब हम लोग बस यही समझते हैं कि तानपुरा जो है शास्त्रीय संगीत में, गायन में प्रयोग करते हैं, गायन में भी और वादन में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं साथ में वो लोग तानपुरा लगाते हैं। संवाद, उससे सुंदरता बढ़ती है। और डांस में भी तानपुरे का प्रयोग होता है, क्योंकि डांस विधा में भी स्वर मिलाए जाते हैं, गायन भी होता है, सब में तानपुरे की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत इसमें है ये है गायन वाले। गायन वाले जो भी छात्र हैं, जो भी कलाकार हैं, तानपुरे पे ही अपनी साधना करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। तानपुरा ही अगर कहा जाए तो संगीत का सबसे आधार एक इंस्ट्रूमेंट है। आजकल तो आप लोग को सब फ़ोन में तानपुरा मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है उसमें सब प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मैनुअल तानपुरा होता है हमको उसी में ही अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसके कंपेयर में ना इलेक्ट्रॉनिक है ना ही ऐप्स हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर आप मैनुअल तानपुरे पे, जब तक आप मैनुअल तानपुरा बजाएंगे नहीं कंधे में रख के ना, 7-8 साल 10 साल, तब तक आप स्वयंभू स्वर समझ ही नहीं पाएंगे कि निकलता कैसे, सुना ही नहीं पड़ेगा आपको। तो तानपुरा जो होता है, अगर आपने देखा होगा तानपुरे का शेप कैसे बनता है, सबसे पहले जो तानपुरा रहा होगा, एक आपने एक तारा देखा है, एक तारा रहता है और उसमें जो है सिंगल सिंगल तार होता है। मेरे पास एक रखा हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह से एक तारा होता है, ठीक है, सिंगल तार रहता है इसमें, एक खूंटी लगी, देखिए सिंगल तारा, इसलिए एक तार बोलते हैं इसको, एक तारा, इसमें एक ही तार होता है, क्योंकि ये सा में ट्यून हो गया, आपके पिच पे ट्यून हो गया, एक तार सा दे रहा है आप, और सा पे भी मिला के आप गायन कर सकते हैं, लेकिन तार बढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि संवाद बढ़ेगा, और जितने ही संवाद बढ़ते हैं ना वो उतना ही ज़्यादा मधुर होता जाता है। इसीलिए आज ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको समझने के लिए। तो पहले एक तार का आया है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। जो चार तार का तानपुरा है हमारा, ये जो है सबसे ज़्यादा यूज में है, यही सभी लोग अब यूज करते हैं। इसलिए खूंटियाँ ट्यून करने के लिए, ये डंडी है, तुम्बा हो गया, ये ब्रिज रहता है जिससे तार होके जाता है, जहाँ हम जवारी खोलते हैं, और ये हमारे तार हैं चार। जो पहला तार होता है वो पंचम में मिलाते हैं, पंचम यानी प में, कौन से प, मंद्र सप्तक का। दूसरा तार सा में मिलाते हैं, तीसरा तार सा में मिलाते हैं, और जो चौथा तार है वो हम मंद्र सा में मिलाते हैं। तो चार, इसके अलावा भी जो तानपुरा भी प्रचलन में आया था और है भी, तो आप देखे होंगे कई कलाकार 5 तार के तानपुरे भी बनवाए हैं, यूज करते हैं,
या फिर छह तार के भी तानपुरे आए थे, पर सबसे ज़्यादा यूज में आपको यही मिलेगा पंचम का। जैसे आप मेरा तानपुरा भी सुन रहे हैं, बज रहा है तो छह तार में ट्यून्ड है, सुनेंगे ध्यान से तो उसमें गंधार और निषाद भी बज रहा है, गंधार निषाद बज रहा है। स्वयंभू में क्या होता है कि सड़ज पंचम में ही तानपुरा रहता है, उसमें गंधार निषाद निकलता रहता है। क्योंकि आप तानपुरा इतना बजाए नहीं है, इतना उसको सुने नहीं है, तो आप वो स्वयं भी समझ ही नहीं पाएंगे तो गंधार कहाँ निकल रहा है, निषाद कहाँ निकल रहा है, रिखप कहाँ से आ रहा है। पा और सा बजता रहता है, इसलिए पा सा आपको क्लियर सुनाई देता है कि पंचम बज रहा है तानपुरे में, सड़ज बज रहा है। लेकिन हम गायन करते हैं तो सातों स्वर में गाते हैं, बारहों स्वर में गाते हैं, गायन होता है तो बारह स्वर कैसे मिल जाते हैं तानपुरे में, सातों स्वर शुद्ध कैसे मिल जाते हैं गायन करते समय। बजता तो केवल चार ही तार है उसमें, पंचम सड़ज सड़ज सड़ज, वो भी केवल पा और सा है, न रिखप है, न गंधार है, न धैवत है, निषाद। लेकिन सारी आवाज़ हमारी क्या आती, सुर लगाते हैं तो गंधार भी मिलता है, मध्यम भी मिलता है। वो अभी पिछले टॉपिक में जो हमने नाद के तीसरा गुण बताया था, जाति, जिसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं, ओवरटोन कहते हैं, स्वर के साथ जो दूसरा स्वर चलता रहता है। हम स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है, स्वयं मतलब खुद से, भू का मतलब होता है प्राप्त करना या उत्पन्न होना, जो खुद से स्वर उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, स्वयंभू स्वर। ये किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो स्वर स्वयं उत्पन्न होते रहते हैं उन्हें स्वयंभू स्वर कहते हैं। पर क्या आप मानते हैं कि स्वर अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी बात के? पॉसिबल है? ऐसा नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखिए, सितार में अगर ऐसा पॉसिबल है तो इंस्ट्रूमेंट जो है सितार में स्वयंभू स्वर के ज़्यादा निकलते हैं, और गायन में सबसे ज़्यादा माना जाता है, इंस्ट्रूमेंट में माना जाता है। अगर आप फ्लूट बजाते हैं तो फ्लूट में कहाँ इतने स्वयंभू स्वर निकलते निकलते तो हैं, लेकिन उसमें संवाद का काम कम है। कब स्वयंभू स्वर निकलते हैं? जब हम लोग तानपुरा के साथ ट्यून किए हुए हैं और फ्लूट बजा रहे हैं, संवाद होता है, तो उसमें हमको स्वयंभू स्वर का पता चलता है जब वो बजाते हैं। पर ये किताब के हिसाब से आप चलेंगे, लॉजिक के हिसाब से, तो तानपुरे से स्वयंभू स्वर जो निकलता है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन दरअसल ये निकलता क्यों है आपको बताऊं, अगर जो तानपुरा ट्यून करते हैं, मिलाते हैं, गाते हैं, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, ये सारा खेल संवाद का है। संगीत पूरा संवाद पर बना है, संवाद संगीत में आनंद जहाँ शब्द आता है ना, कि हम कहते हैं स्वर आनंद देता है, कानों को अच्छा लगता है, ये सारा खेल संवाद का है। अगर संवाद होना ही बंद हो जाए तो फिर वो आनंद ही खत्म हो जाएगा। अब इसका, इस शब्द की वैल्यू समझिए, संवाद शब्द की, इसके अलग अलग जगह अलग अलग रूप में। संवाद मतलब होता है जब दो चीज आपस में मिलते हैं, दो स्वर या दो अलग अलग चीज या दो तार या गला और तानपुरे का मिलना, दो चीज संवाद करेगा जब, तभी आनंद की प्राप्ति होती, अकेले से नहीं संभव है। तो तानपुरा में चार तार हम यूज करते हैं, छह तार भी का भी तानपुरा आता है, वो गंधार निषाद में मिलाते हैं राग के हिसाब से, राग में कौन सा स्वर यूज है उस हिसाब से। पहला तार जो होता है वो राग के हिसाब से ट्यून करते हैं, या तो पंचम में मिलाते हैं या तो मध्य में मिलाते हैं और या फिर निषाद में। ये पहला तार जो होता है, पहला वाला, ये तीन अलग अलग ट्यून होता है, निषाद में, मध्यम में और पंचम में। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तानपुरा कैसे मिलाते हैं, आपको मैनुअली मिला के दिखाएंगे स्वर के साथ। लेकिन अभी आप टेक्निकली और मैथमेटिकली चीज़ समझ लीजिए कि कैसे हम लोग प्रूव करते हैं कि स्वयंभू स्वर और ऋषभ, गंधार, मध्यम सब निकलते हैं और हम गाते हैं तो तानपुरे में सारी आवाज़ मिल जाती है। देखिए, तानपुरा में निषाद का राग है कोई, जिसमें मारवा पुरिया सोनी जैसे राग है, जिसमें पंचम नहीं लगता, मध्यम नहीं लगता, तो वो लोग तानपुरा निषाद में मिलाते हैं।
तो जब तानपुरा पंचम और षड़ छड़ बजाते हैं ना, तो आप देखेंगे गंधार एकदम साफ निकलता रहता है संवाद करके। पंचम छेड़ते हुए रिखब एकदम प्रबल सुनाई देता है। जो मैनुअल तानपुरा बहुत सालों तक बजाएंगे ना जब आप, तब आपको ये स्वयंभू स्वर सुनाई देंगे। ऐसे इतनी आसानी से आपको सुनाई नहीं देगा, बस आप बजाएंगे तो आपको पास आसा सुनाई देगा, ठीक है। और तानपुरा जब परफेक्ट मिलेगा तभी वो स्वयंभू स्वर उत्पन्न होंगे, नहीं तो वो इधर उधर हो जाएंगे सब। तो तानपुरा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया कि तानपुरा जो है वो मिलता कैसे है, कौन कौन से सुर मिलता है। चार तार का तानपुरा होता है जो यूज करते हैं, और बाकी जो तार के हैं वो कुछ लोग ही यूज करते हैं, लेकिन प्रचलन में है। मेरे पास भी है 5 तार का तानपुरा। तो क्या अगर निषाद से मिला देते हैं, प नि स छ स, मंद्र सप्तक में समझ, कहीं गंधार में ग प न ट ट ट, इस तरह से ट्यून हो जाता है, चेंज हो जाता है वो राग में। और थोड़ा सा बताया ना मैंने, संवाद बढ़ते जाएंगे तो वो भाव को बढ़ाता जाएगा। लाइट म्यूजिक में यही तो फायदा है, कॉर्ड्स मिल जाते हैं आपको। क्लासिकल में तो टेम्पर्ड हम लोग गाते हैं पूरा, लेकिन कॉर्ड्स का प्रयोग नहीं करते आज लोग। आजकल तो कुछ वेस्टर्न वाले करने लगे हैं, बंदिश में कुछ भी गा रहे हैं बजा रहे हैं, वो गलत नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है बहुत। क्लासिकल जैसा है उसको वैसे ही उसका आनंद उठाएं, उसमें अपना कुछ ना करें। और ये आज हम समझाएंगे आंदोलन संख्या के माध्यम से कैसे सारे स्वर तानपुरे से उत्पन्न होते हैं और संवाद करते हैं। तो अभी मैं आपको आंदोलन संख्या लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। सा का 240, रे का 270, 301, 320, 360, 405, 455 और 480। दरअसल ना आपको सप्तक मिलेगा 7 स्वरों का, लेकिन वेस्टर्न में ऑक्टेव बोलते हैं उसको। अब मैं भी ऑक्टेव ही समझ के, आप लोग भी रियाज करते हैं लेकिन बोलते क्या हैं सप्तक। हम लोग 8 स्वर यूज करते हैं पूरा, सा तो सा रे गा मा पा धा नी सा यूज करते हैं ना प्रैक्टिस में, हमेशा यूज होता है। तो 8 स्वर मान के ही सारा काम हो रहा है। अगर सा हटा दें, नीता के बराबर गाते रहें, क्या कंप्लीट होगा सर्किल? नहीं, सा तो लगाना ही पड़ता है। तो ऑक्टेव मानना ज़्यादा उचित है मेरे हिसाब से, मैं भी वही मान के ही करता हूँ। तो ये आंदोलन संख्या है, ये स्वर हैं, और इनके क्या हैं, ये आंदोलन संख्या सारे शुद्ध स्वरों के। तो हम लोग देखेंगे कि अब स्वयंभू स्वर कैसे उत्पन्न होते हैं, आंदोलन संख्या के माध्यम से मैं समझाऊंगा। तानपुरा जो है क्लियर हो गया कि प सा सा में मिलता है, या फिर म सा सा में मिलता है, या फिर नी सा सा में मिलता है। अगर पंचम यह हो गया, और जो स्व उत्पन्न स्वर साथ में चलते हैं ना स्वयंभू, वो हमेशा उसके दुगने तिगुने चौगुने आठगुने तक जाते हैं, 9 गुने 10 गुने तक। मतलब कि अगर सा का आंदोलन संख्या 240 है तो उसका जब निकलेगा तो डबल जाएगा, 480 फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आप डबल करते चले जाइए। तो हम लोग एक एक स्वर का दुगुन तिगुन चौगुन करके देख लेंगे कि कितना आंदोलन संख्या आता है, कौन सा आंदोलन संख्या किस स्वर के करीब है, किस स्वर के आंदोलन संख्या के बराबर है। अर्थात इस स्वर को छेड़ने से, इसके इस गुना बजने से ये स्वर हमें प्राप्त होते हैं मैथमेटिकली। लेकिन मैं ये सब विश्वास किताब में लिखा है इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है आपको, पर मैं आपको कहूँगा कि आप मैनुअल तानपुरा कंधे पर रखिए, 5 साल तक गाइए बजाइए, रियाज करिए रोज। 5-7 साल रोज मिलाएंगे, रोज गाएंगे ना, तो स्वयंभू स्वर आपको एकदम क्लियर सुनाई देने लगे, गंधार ऋषभ साहब। ये आप करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे मैं बता दूंगा समझा दूंगा पर आप उसको जो है फील नहीं कर पाएंगे उसको कभी। इसलिए जो है पंचम मान लिया, और पंचम का आंदोलन संख्या होता है मंत्र का 180,
180 पहला गुना, 180 गुणे दो, 180 गुणे तीसरा गुना, अब निकालते जाइए। एक सौ अस्सी गुणे छः, 180 गुणे सात, 180 गुणे आठ, 180 गुणे नौ, कितना आएगा निकाल लीजिए। गुड़ा गुड़ा तो आता ही होगा आप सबको, एक का गुड़ा करेंगे तो क्या आएगा 180, दो का गुड़ा करिए, दो शून्य शून्य, आठ दूनी सोलह, अस्सी लेख, दो एक डबल हो गया, 360 पहुंच गया। ऐसे ऐसे बनाते जाइए, इसका कितना आएगा 540 आएगा, 720, चार गुना किया तो 720, ऐसे एक एक पाँच गुना किया 900, छः गुना किया तो 1080, फिर इसका आया 1260, इसका आया 1440, और नौ का गुणा किया तो आया 1620। सबका डबल आप गुणा कर लेंगे तो ये आपका आंदोलन संख्या मिलेगा। दुगुना दुगुना किया, तिगुना किया, तीन गुणा किया, चार गुना किया, पांच गुना किया, छह गुना किया। अब देखिए 180 है तो इसे कौन सा स्वर प्राप्त होगा, वही सेम टू सेम है तो पंचम हो गया, ठीक है मंत्र का, क्योंकि सेम है कोई परिवर्तन ही नहीं। अब हम डबल किया 360, 360 किस स्वर का आंदोलन संख्या था, अभी हमने लिखे थे वो क्या था पंचम का, कौन सा पंचम, मध्य सप्तक का, ठीक है। इसके बाद जो है रिखब बनेगा, सारे स्वर में लिख देता हूं रिखब, पंचम तार सप्तक का, निषाद तार सप्तक का, रिखब अतितार, अतितार के ऊपर डबल बिंदी लगाएंगे हम लोग, आपको भातखंडे नोटेशन सिस्टम समझाया था, अतितार के ऊपर क्या करेंगे डबल बिंदी लगाएंगे, ये देखिए मैंने पूरा लिख दिया, डबल किया तो 360 आंदोलन संख्या है मिला, और 360 होता है पंचम का, तिगुना किया 540, 540 होता है रिखब तार सप्तक का, 180 गुणे चार किया तो पंचम मिला हमको तार सप्तक का, पांच गुना कर दिया तो बढ़ता जा रहा है निषाद चला गया तार सप्तक का, अब छह गुना किया तो रिखब पहुंच गया अतितार का, 180 गुणे सात किया तो मध्यम पहुंच गया, पंचम पहुंच गया अतितार का, और धैवत पहुंच गया। तो यानी अगर पंचम जब हम छेड़ते हैं तानपुरे से तो स्वयंभू जो स्वर निकलेंगे ये स्वर उसमें से हमको प्राप्त हो रहे हैं, उसके डबल, उसके तिगुना, उसके चौगुना, ये पंचम का है। अगर यही मैंने चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, तानपुरा जो है मध्य में मिला दिया, किसमें मिला दिया मध्यम में, अगर हमने तानपुरे को मध्यम में मिला दिया तो मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी होती है बताइए, मां और भी मंद्र का बताइए, 320 अगर हम मध्यम के गुणा करें 320 से तो 320 सेम टू सेम दुगुना तिगुना करते जाइए, 320 का एक में गुणा किया तो कुछ नहीं, सेम टू सेम डबल किया तो शून्य, 640 हो गया,
शून्य छः 960 हो गया, 1280, 1500, 1600, 1600, फिर 1920, 2240, गुणा करते जाइए सब लोग, बनाइए 2560, और 9 गुणा करेंगे तो 2880, ये हो गया। ये मध्यम में अगर 320 से गुणा करते हैं तो हमको इतनी आंदोलन संख्या मिली। देखो अब 320 मध्यम का है तो क्या मिलेगा, मध्यम ही मिल गया, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो है 640 जो है वो किसका है, डबल, ये तो आपको पता ही है, मध्यम का तार चला जाएगा, ठीक है। 320 से क्या होगा, तार हो जाएगा। फिर 960, सा का कितना होता है आंदोलन संख्या, 240, तो 960 कहाँ जाएगा, हैं, तार के अति तार में चला जाएगा। ऐसे सब अति तार में जा रहे हैं मध्यम। उसके बाद जो है धैवत, फिर सड़ज, 1920 चला गया तो अति तार का भी तार, ठीक है। ऐसे मध्यम, धैवत, पंचम, अब अगर आप मध्यम में देखेंगे, मध्यम का तार ट्यून है तो ये आंदोलन संख्या मिलेगी और ये स्वर हमको प्राप्त हो रहे हैं। तार सप्तक हो गया, सा हो गया अति तार का, मध्यम, धैवत, फिर मध्यम, फिर धैवत और पंचम, मतलब मापा धसा। कौन कौन से स्वर मिले, मध्यम मिल रहा है, पंचम मिल रहा है, धैवत मिल रहा है और सड़ज मिल रहा है। ये आप अतितार तार मध्य जो संवाद में ही आएगा, ठीक है। अगर हम मध्यम में नहीं और बीच में हमारा सा बजता रहता है, सा में ही ट्यून है जो बीच वाला, उससे कौन कौन से स्वर निकल रहे हैं, सा का कितना होता है 240, अब आप 240 जो है गुणा करते जाइए सब में, ठीक है। सा का भी निकाल दे रहे हैं कौन, इससे भी हमको स्वर प्राप्त हो जाएंगे। सड़ज संवाद, डबल करिए इसका, 240 का 240 ही रहेगा, मतलब सही हुआ, डबल किया तो 480 आ गया, दुगुना किया तो, ये किसका होता है, तार सप्तक के सा का होता है, ठीक है। 240 गुणे 3 करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 720, 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 960 इसका, या आप सारा गुणा कर लीजिएगा, गुणा करके देखिएगा तो 960, फिर 1200 आया और 1440, 1680, 1920 और 9 गुना किया तो 2160 आया। ये आ गया आपका पंचम का, पंचम से संवाद कर रहा है आंदोलन संख्या तार सप्तक का। फिर वही आ गया अतितार 960, तो मतलब सा, फिर कंधार का अतितार हो गया, फिर पंचम का अतितार हो गया, सा, फिर सा, फिर पा, फिर सा अतितार का, फिर गंधार, फिर पंचम, फिर नी, फिर सा, फिर रे, ठीक है।
और रे जो है आखिरी वाला जाता है सब मति तार के नंबर आंदोलन संख्या में आएंगे, और ये अति तार का विद्युत तार। आपको जो है सारे स्वर, षडज निकल गया, पंचम निकल गया, गंधार निकल गया, निषाद आ गया, ऋखव आ गया। ये है हमारा षडज का, षडज का स्वयंभू स्वर अगर निकाले तो ये स्वर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी स्वयंभू की थियरी, लेकिन ये तो थियरी था, मैथमेटिकल रूप से सारे स्वर निकल रहे हैं, लेकिन जो जो मैनुअल तानपुरा रखे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि मैनुअल तानपुरे को ट्यून करिए पंचम में और मध्यम में, जो भी राग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कंधे पर लगाइए और उसको सुनिए ध्यान से। कई सालों तक मिलाते गाते तो आपको एकदम साफ साफ गंधार सुनाई देगा, मंद सप्तक का जब षडज बजेगा ना एकदम साफ गंधार, फिर जब आप पंचम छेड़ेंगे तो रिखा पे एकदम साफ सुनाई देता है। तो दरअसल ये जो संवाद उत्पन्न होते हैं ना, एक चीज़ और, जब हम बीच के दोनों स्वर तानपुरे में मिलाते हैं सा में ये, तो यहाँ पंचम का रहता है और आखिरी में चार तार हैं, प सा फिर मंद सप्तक का सा। तो जब हम सा एग्जैक्ट ट्यून करते हैं, ये भी सा में मिलता है, ये भी सा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है सेम, आंदोलन संख्या क्या होती है 240 240। तो एक तार आप बजाएंगे जैसे तानपुरे में, उसको रोक देंगे तो दूसरा अपने आप बज जाएगा साउंड। इसी सिद्धांत पे आपने सुना होगा कि कहीं कहीं कांच टूट जाता है, वो क्या है ना, कांच का जो फ्रीक्वेंसी उसमें है उसी फ्रीक्वेंसी का तबला फट जाता है गरजने से, बादल गरजता है तो तबला फट जाता है। क्या होता है, वो सेम फ्रीक्वेंसी मैच जहाँ पे तबला मिला हुआ है, जहाँ पे उसका स्वर है, तो अगर गर्जन से सेम फ्रीक्वेंसी साउंड निकलता है, वो इतनी तेज उसके पास आता है साउंड, तो वो क्या करता है सेम प्लेस बज उठता है, अपने आप झंकृत हो उठेगा। तो उसी झंकृत में क्या होता है, अगर लिमिट में है तो ठीक है, नहीं लिमिट में ज़्यादा है तो क्या होता है, वो फिर फट जाता है और कांच टूट जाते हैं एक लेवल क्रॉस करने के बाद साउंड वेव से। जब हम पंचम षडज बजाते हैं तो आप जैसे पूरा राउंडिंग बजाएंगे तो आप देखें जैसे खड़ गंधार सुनाई दे रहा है, पंचम निषाद सुनाई दे रहा है, रिकप सुनाई दे रहा है। तो हम जो जो गाते हैं ना राग स्वर लगाते हैं, तो सारा बस तो चार ही तार रहा है, लेकिन सारे स्वर क्या कहते हैं संवाद होते हैं, सुनाई देते हैं। इसलिए गला जो है तानपुरे में हर स्वर में क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, उसका क्या कारण है, ये हमारा स्वयंभू स्वर। हम लोग तानपुरा कैसे मिलाएंगे इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, कैसे ट्यून करते हैं, आपको आसानी होगी। अगर आप तानपुरा नहीं है तो आप ले लीजिए, और मैनुअल तानपुरा जरूर रखिए। अगर आप संगीत सीख रहे हैं कर रहे हैं तो मैनुअल तानपुरा होना चाहिए। होने का मतलब ये है कि आप एक घंटे रोज उसको टाइम निकालिए, मैनुअल तानपुरा मिलाइए, उसके बाद उस पर गाइए, आप गा के देखिए, फिर आप मेरी बात पे यकीन करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उसको आप जो स्वर आपको सधेंगे ना मैनुअल तानपुरे पर, वो और कहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं किसी पे, वही असली आनंद है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो पे मिलते हैं आप सभी से। नमस्कार।